नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन धवल में। और दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कांति नगर रस्तोगी जी के यहाँ। जो इस बार की जो रेस हुई थी उसके अंदर सेकंड प्लेस आए थे, उससे पहले तो फर्स्ट थे, इस बार सेकंड, इस बार भी फर्स्ट। जो मतलब तीन रेस हुई थी ना। तो पहले मैं रस्तोगी जी से मिलवाया था आपको। रस्तोगी जी स्वागत है आपका, नमस्कार। तो रस्तोगी जी, अभी जो रेस हुई थी तो इसमें पहला जो है उसको फर्स्ट आया, हाँ जी, ऑफिस का सेकंड आया, उसको सेकंड है, उसका अगली बार भी सेकंड है, और उसके बाद जो चैंपियन का इनाम मिला है उसमें भी सेकंड है, अंकों को साथ में जो है। अच्छा अच्छा, उसमें भी चैंपियन। इसमें रस्तोगी जी दिक्कत कहाँ आई है, जो प्रॉब्लम हुई है? दिक्कत कहीं नहीं, दिक्कत तो ये होती है बस, कबूतर अंदर कबूतर तो आ गए थे, वो टैग टोर में नहीं घुसते थे, कबूतर आपके आ चुके थे लेकिन अंदर नहीं आए। भाई जी, दूर से कबूतर आता है तो थका होता ही है, फिर हमारे पास कोई साधन के साथ पकड़ने वाला आदमी नहीं था, कोई अकेले पड़ जाते थे, तो कबूतर आया तो ऊपर ही बैठा था, अंदर नहीं घुसा, दिक्कत कर दी। तो फिर वो घुसा तो टैग करा तो वो कुछ भी सेकेंडों मिनटों से हारे। तो ये यहाँ पर क्या है कि जब रेस होती है ना तो रेस में एक एक सेकंड का भी फर्क होता है, क्योंकि जब हम फोटो खींच कर आगे सेंड करते हैं ये होता है ना, बिल्कुल सही। तो उसमें अगर मान लो जैसे रस्तोगी जी ने 1:01 पर भेजी फोटो और किसी ने 1 भेज दिया तो वो फर्स्ट हो जाएगा, सिर्फ एक एक सेकंड का फर्क होता है। अब तो ये ऐप बड़ी अच्छी बना ली है, एक ऐप लोड करिए अपनी बात, जो बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है वैसे उसमें। तो जब जिस टाइम फोटो क्लिक करी है उसी टाइम मिनट सेकंड सब आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो वो ऐप बहुत बढ़िया है, वो आप वीडियो बहुत अच्छी चलती है, वो ऐप वो कैमरे वाला आता है, कैमरे वाला वही वाला हाँ वही वाली लोड कर दी अपनी बार, वही कैमरे टाइप का भी है, कैमरे का एक आप आता है उसका, कहते हैं टाइम लैप कैमरा कहते हैं उसको। उस टाइम लैप कैमरे में क्या होता है दोस्तों कि जब आप उस कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी क्या था कि अभी यहाँ पर इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो एकदम बिल्कुल प्रॉपर या एक्यूरेसी से आपको टाइम दे दे। तो उसमें यहाँ पर क्लब में क्या कहा गया था कि जब आपके कबूतर आते हैं रिटर्न तो आपको उनको पकड़ना है, उसके ऊपर से स्टिकर छुटाना है और टाइम लैप्स कैमरे से उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। टाइम लैप्स कैमरा जो एक ऐप होता है उसके अंदर टाइम जो है सेकंड, यानी कि अगर 1:30 का भी होगा तो वो टाइम शो करेगा प्लस लोकेशन शो करेगा और जो जगह है ना वो चीज़ दिखाकर वो आगे भेजा जाता है, ये आगे भेजा जाता है, ये इस तरीके का था। बट यहाँ पर दोस्तों किसी तरह दिक्कत क्या आई कि ये अकेले हो गए थे, यहाँ पर अकेले थे और कबूतर एकदम ट्रैप डोर पे नहीं घुसा, तो इस वजह से जो है ये बहुत ही फर्क पड़ता है एक एक मिनट का। तो इसलिए आजकल के शौकीन जितने भी हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो ये समझे कि बच्चों को पहले टैग डोर से घुसना सिखाए, दाना कभी बाहर ना दे, दाना हमेशा जाल के अंदर ही दे, तो उसे कबूतर आने में उसको ये रहेगा कि आया और आते दाना में घुसना है, दाना खाना है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी कबूतर के लिए, आने वाले लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी ये चीज़, क्योंकि टोल टाइम में घुसने में ही टाइम लगता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बताऊँ कि इस टाइम क्या था, घूमरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि हर कोई घूमर कर रहा है, लेकिन पहले बात को ये समझो कि सारे घूमर आपको पालने किस वजह से है, पहले इसको भी समझना। अभी जैसे रस्तोगी जी हैं ये विनर रह चुके हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत होती है कि अगर आप अपने जैसे पट्टों को सेट कर रहे हो ना तो उड़ाने से पहले उनको ट्रैप रोड के आधा डालो, सबसे पहले ट्रैप रोड की, क्योंकि रेस अगर मान लो आप रेस नहीं खेल रहे और आपने कहीं मान लो कबूतर आपके पास पाल रखे हैं, आपने कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं आपके, जैसे सैदी हैं आपके, आप क्या करो 10 घूमर के ले जाओ, ठीक है, उनको कुछ दिन 10-15 जाल पे रखो, दाना ऊपर नीचे करके जहाँ पर वो ऊपर नीचे होने लग गए ना उसके बाद सैदियों को बोल देना तुम्हें जितने जोर लगाना है लगा लो, पकड़ लो उनको, वो कहीं नहीं जाएंगे। एक तो वो शौक होता है कि मुझे सिर्फ शौक करना है, कि आपने जैसे कहीं रिश्तेदारों में जैसे शर्त होती है ना कि भाई मेरे कबूतर दूर से आ जाएगा तो आपने ले आकर 50 दूर से छोड़ दिया तो शाम तक भी आया तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जब रेस में जाओगे ना तब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चैंपियन वर्ड देखना पड़ेगा कि किसकी प्लेसमेंट अच्छी थी क्या थी, उसके हिसाब से जोड़ा लगाना पड़ेगा और तब जाके आपको एक चीज़ होती है। और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि होमवर्क ले लिया तो वो रेस में जीते रहिए, जबकि उसकी ट्रेनिंग भी होती है, बहुत ट्रेनिंग है, मेहनत बहुत है उसके पीछे, आदमी का टाइम बहुत वो होता है, कबूतर छोड़ने जाना, कबूतर पालने से कुछ नहीं होता है, कबूतर भी पलट छोड़ के भी आना पड़ेगा आपको, चाहे बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैंने तो भैया 40,000-50,000 जोड़ा ले लिया, उसके बच्चे सीधा निकलते उड़ेंगे, ऐसा नहीं उड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग उनकी भी चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो दोस्तों इसी बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा बर्ड लोगे तो ही वो काम करेगा, उसके ऊपर मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी आपको। और मैंने एक पहले भी ये बोला था इस बात को
मैंने कभी भी किसी से कोई भी नया जो ढूंढने वाला बंदा आदमी है वो किसी खेले में बर्ड से ही कबूतर ले, कोई भी है किसी का भी बर्ड है खेलने वाला जो देख रहा है उससे ही कबूतर ले तो उसको ज्यादा अच्छा बर्ड मिल जाएगा एक तरह से। और बाहर के बर्ड की जो पैटेगरी होती थी क्या होती है आपने देखी है पैटेगरी क्या होती है? अब यहाँ पर मान लो पैटेगरी यहाँ बन जाती है पैटेगरी का दोस्तों होता क्या है? आपको खेला बच्चे निकलवाओगे तो बच्चे में तुम जैसी मेहनत करोगे बच्चा बैठा तुम्हें फल लेगा कहने का मतलब तुमको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अभी जैसे कि इसमें जो मैं कबूतर लेके जा रहा हूँ तो जैसे जिसके अंदर की दो जो नर जो मतलब बड़े नर है ना ये हमारे जैसे रस्तोगी जी बता रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस पे आए हुए हैं और अब क्या है कि रस्तोगी जी ने थोड़ा सा ये कहा कि अब ये जितने भी जो इस बार और अब एक जैसे ब्रीड का ना वो एक अलग सेटअप तैयार करनी क्योंकि जब तक जाल में क्या होता है कि सेटअप जब बनता है ना तो उसमें टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि आप पर हो जाएगा तो इसलिए थोड़े से हटाकर अब ये पूरा सेटअप जब बन जाएगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रस्तोगी जी की जो कुछ और भी जैसे शौक क्योंकि देखो मैंने देखा रस्तों की शौक बढ़ता ही रहता है नहीं खत्म होता शौक शौक का ये है कि जैसे मान लो आज आपने पूछा कि भाई ये मैंने बर्ड लिया अब मुझे इससे और अच्छा बर्ड चाहिए पहले हमें बुक अच्छे बर्ड नहीं थे हमारे पास पहले हम खेले थे उससे भी अल्लाह भगवान ने ऊपर बुलाया उनको स्टेट पे थर्ड पोजिशन थी उसके बाद और अच्छा करा था फिर दूसरी बार दो बार अब फर्स्ट जैसे मैंने ही जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैंने नीरज भाई से लिए थे कबूतर तो उन्होंने वो मुझे कबूतर दिए थे जो मेरे सामने भी छोड़े हुए थे ठीक है। अब क्या है कि जब मैं क्लब में आया और भाई क्लब के अंदर आने के बाद आपको कम से कम 20-25 लोगों का ग्रुप होता है और 20-25 लोगों के पास हर तरीके के कबूतर हैं फिर हम देखते हैं यार क्लब में आने को तो क्या ये कबूतर तो और भी बेहतरीन है अच्छा है फिर हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो अब क्या है कि मेरा भी जैसे थोड़ा सा कि मैं भी क्लब में जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे भी चाहिए यार मैं भी कुछ अच्छी चीज़ लूँ तो रस्तोगी जी से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक जोड़ा दिया कि भाई चलो डिंपल भाई तुम ये ले जाओ और मेरे सामने के रेस प्ले हुए तो मैंने कहा कम से कम मुझे एक ऐसा जोड़ा दे दो ताकि मैं नाम भी हो कि रस्तोगी जी के मेरे पास एक जोड़ा जा रहा है और ये वो जोड़ा दे रहे जो इस बार का रेस खेला हुआ है और उसके पूरे पड़ों पे है और उसके बाद तो भाई देखो मैं क्लब के साथ हूँ तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो नहीं और रस्तोगी जी की आदत भी नहीं है इन्होंने ये कह रखा है कि मुझे जो चीज़ देनी है साफ करके दो वो बढ़िया रहता है और इन्होंने जो जो जोड़ा दे रहे हैं ना मुझे ये रेस खेले हुए अब इनके बच्चों पे फिर मैं अभी देखेंगे कि क्या होगा वो रिजल्ट क्या होगा लेकिन उसके बाद भी देखो जो रस्तोगी ने बहुत अच्छी बात की कि कबूतर आप जितना मर्जी महंगा ले लो उस पर आपको पट्टों पर उसके बच्चों पर मेहनत करनी ही पड़ेगी है ना जी। मैं पहले तो रस्तोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी कम से कम सुनने पर क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि रेस में क्या होता है कि जब रेस का विनर होता है ना तो उनके जोड़े लगाए जाते हैं कि भाई जिनके पीछे जो जल्दी आए जिसके खून के अंदर मतलब एक होता है ना कि नस्ल जो होती है नस्ल और असल यही चीज़ें कही जाती हैं तो इन्होंने जोड़े लगा देते लेकिन मेरे काफ़ी हम्बल रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे चलो डिब्बा एक जोड़ा आपको देते हैं और बाकी मैंने कुछ पट्टे लिए हैं तो मैं आपको पट्टों का शौक तो घर पर करा दूँगा। मैं आपको पहले जो है ना नर जो मैंने लिया है और मादिन में वो दिखाता हूँ आपको क्योंकि क्या है कि अभी ये नर मादिन इसमें लड़ रहे हैं बच्चों के साथ ये जो पट्टे हैं मैंने थोड़ा सा ये भी चैंपियनों के पट्टे ही लिए मैंने ये मादिन है ना ये मादिन है तो रस्तोगी जी आप ही बताइए मादिन के बारे में। ये मेरी मादिन अगली बार की दो बार फर्स्ट विनर बनाएगी जो ये अगली बार की फर्स्ट विनर है 12 नंबर 15 नंबर दिखे इसके पैर में ये वो वाली मादिन है। अब ये अच्छे कबूतर सारे हम ही रख लेंगे तो दूसरे जो खेलने वाले हैं उनको क्या मिलेगा सही बात तो उनको भी थोड़ा शौक का बढ़ावा इसलिए मिलता है कोई अच्छे दे दो कबूतर। और रस्तोगी जी के पास तो भैया खान है पूरी इतने सारे तीनों रेस खेली हुई मादिन है यहाँ पर दिखाओ ये तीनों रेस खेली हुई है इस बार तीनों रेस खेली हुई मादिन है मगर इस बार ये विनर नहीं है मगर ये संग आई है कबूतरों के ये 7 कबूतर जो टैग होते हैं हमारे उनके अंदर आई थी मगर ये अंदर नहीं घुस पाई किसी वजह से तो मगर ये मेरी पहली भी खेली है इस बार भी खेली है पहले पंजाब की तरफ से खेली थी अभी वहाँ इधर से खेली थी। तो ये सिर्फ मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा मेरी थोड़ा सा इन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट करी मेरी कि चलो एक ऐसा जोड़ा दे रहे हैं जो इस बार का रेस खेला हुआ है। और नर जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये नर भी काफ़ी अच्छा है और मेरे सामने का भी है सुनी जी आप भी बताइए इसके बारे में भी ये नर है मेरे पास ये भी अगली बार का खेला हुआ पिट्ठा है मेरा तीनों बार की रेस खेला हुआ है ये भी उन 7 कबूतरों में ही आया था जो पहले आए थे उस दिन मेरे 12 कबूतर आ गए थे अच्छा
हमने 16 कबूतर छोड़े थे आखिरी वाली रेस में, 18 को छोड़े थे, 18 छोड़े थे मेरे, तो 12 कबूतर उसी मेरे आ गए थे। तो ये जो है ये आरआरपीसी की क्लब की रिंग पड़ी हुई है, एक हमारे नाम की रिंग पड़ी हुई है, ये दो रिंग पड़ी हुई है, पहले क्लब की रिंग थी और एक यहाँ की, और ये उस वाले क्लब से भी खेला था, इस वाले क्लब से भी खेला। ये जो है मुझे मतलब बहुत रिक्वेस्ट है, तब जाके इन्होंने कहा कि चलो ठीक है डुमर भाई आप ले जाओ, क्योंकि आप भी अगर शौक नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। और एक मुझे ये दो पहले पट्टे उन्होंने मुझे चार पट्टों में से मतलब पट्टे मैंने छाटे हैं, मुझे एक पट्टा बहुत पसंद आया ये वाला, इसका मैं शौक करा दूँ आपको, अगर देख पा रहे हो उसकी आँख इधर देखिए देखिए ऐसे से, अभी तो अभी आँख साफ करेगा ये, और बाकी मैं अपने छत पर भी इसका शौक करा दूँगा आपको। और ये चार पट्टे मैंने लिए हैं जिसमें कि दो मादिन हैं और दो, और ये सारे के सारे चैंपियन बर्ड के बच्चे हैं, जो पिछले क्लब के खेले हुए हैं ना, तो उनके ही बच्चे मैंने लिए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये अभी अगर मान लो मेरे यहाँ उड़ गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो जोड़ेबाजी तो मैं फिर मुझे कराना ही है, बाकी जो भी होगा कि क्लब के अंदर। अब मैं जैसे मैंने जो सेटअप अभी बनाया है उसके भी वीडियो में बना डाल दूंगा, तो उसमें मेरा भी यही है कि भाई मेरे पास जैसे रसोगी जी की सोच है कि भाई हर किसी के पास अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ अच्छी देते हैं। भाई अच्छी चीज़ अगर अपने पास ही रखोगे सामने वाले भी ले जाएगा, फिर कंपटीशन क्या रहेगा, कंपटीशन क्या रहेगा, किससे करोगे तुम करोगे, यानी कि जब दो पहलवान भी लड़ते हैं तो उनका वजन होता है एक सा होता है, जब भी मजा आता है तभी दिखता है कि वरना वरना आपके पास अच्छे हैं तो फिर ऐसी बात है, तो फिर पहले ही आपको पता कि जीतना मेरे को ही है। अब कोई 100 किलो का कोई 50 किलो का तो वो क्या जीतेगा, उससे उसे जीतने का मौका मिले पहले उसी हिसाब से लड़ना चाहिए, जो उससे लड़ेगा जब भी तो मजा आएगा फिर। और मेरा भी देखो मैंने भी दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि देखो मैं अपने शौक को एक बढ़ावा देना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि जब मेरे पास से कोई पट्टे लेके जाए ना, मेरे जो उसमें जो उसके पैरों में मेरे नाम की रिंग है वो रिंग की ही वैल्यू है, वो वही मेरी इज्जत है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके पास भी मेरा पट्टा जाए वो काम करे तो मेरा भी मतलब नाम होगा ना, बिल्कुल होगा। जैसे मैं रस्तोगी जी के पास लेके जा रहा हूँ, अब ये जब तक जोड़ा मेरे पास रहेगा नाम किसका चलेगा, रस्तोगी जी का, क्योंकि रस्तोगी जी के कबूतर है, रस्तोगी जी के पट्टे हैं, ये सारी चीज, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो पेडिग्री आपके नाम से स्टार्ट होगा, जो पट्टे होंगे और पट्टों के जो बच्चे होंगे तब वो पेडिग्री मेरे पास होता है। लेकिन जो एक होता है ना कि आपने लिया किससे था, तो ये इनके नाम से पेडिग्री का क्या होता है कि पेडिग्री एक आधार कार्ड होता है कबूतरों का, कि वो बच्चे किस लाइन से थे या उनके माँ बाप कौन थे। अगर मान लो जैसे एक क्लब का कोई विनर है नर और एक क्लब की मादिन आ गई, उनका मिला लिया, उनकी पेडिग्री बन गई, तो उनका एक पेडिग्री का मतलब एक बन गया कि भाई नर मादिन का ये जोड़ा था, अब उसके बाद जितने बच्चे निकलते चले जाएंगे वो पेडिग्री में ऐड हो जाते हैं, ये चीज है ना, बस ये चीज होती है। तो ये चीज थी, बाकी मैं अभी ना एक रस्तोगी जी के पास ना एक कबूतर है, अगर हमारे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देसी पालते हैं कावली कबूतर, तो मैं आपको वो एक कबूतर दिखाना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वो कौन सा कबूतर है, ठीक है। तो ये एक कबूतर है मतलब मादी नहीं, और मैंने करीब करीब कबूतरबाजी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, यानी जब मैं 12-13 साल का था तब ये नस्ल देखी थी, और ये नस्ल आप बताओगे कि कौन सी नस्ल है, और मेरे हाथ में इसको पकड़ रखा है मैंने, परों का आप देख लीजिए, जान पूरी लगा रही है मादिन। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, मुझे ये कबूतर देख के इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए, ठीक है। और इसका अगर मान लो कमेंट में आप बताते हैं अगर, तो अच्छी बात है, वैसे जो जितने भी खिलाड़ी बंदे होंगे ना वो उसको देख के ही बता देंगे कि मेरे हाथ में स्टंप क्या है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम में इसको बता दूंगा कि इसकी कौन सी नस्ल है। बहुत प्यारी नस्ल कई सालों के बाद देखने को मिली है मुझे, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, तैयारी है अभी यहाँ पर जो सेटअप है, क्योंकि अभी रसोगी जी से बात हुई थी, तो यहाँ पर रसोगी जी से लॉन्ग डिस्टेंस जैसे जॉन आर्डन जो चलते हैं बाहर देश में सबसे ज़्यादा वही चलते हैं, लेकिन वो यहाँ कामयाब है या नहीं, यहाँ कहाँ कामयाब है वो, यहाँ पर यहाँ तो हाई स्पीड की रेस होती है, वो लोग जो होते हैं वो किलो चलते हैं। अच्छा, और लोग उस का खेला भी नहीं जाता इसमें, लोग उस पर तुम जनार्दन की जनार्दन से जोड़ लगाओगे बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलेगा, उसको क्रॉस जब तक नहीं करोगे जब तक बच्चे का उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। फिर दूसरा ये है कि बाहर के देशों में तो भैया लंबे होते हैं। अब यहाँ से अगर मान लो अगर लॉन्ग डिस्टेंस का कोई बंदा खेलना चाहता है तो कम से कम 600-700 किलोमीटर चाहिए, और जाने में एक दिन लगे, दो दिन लगे, वो अलग है।
तो यहाँ पर तो देखो इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और बाहर के क्लाइमेट में फर्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे गोल्डन तो यहाँ ज्यादातर शौक के लिए रखते हैं लोगों, बस एक नाम है, कम तो नहीं महंगा है वो, और बस शौक लगता है उसका, बस इसकी एक सिल्वर आइस होती है वो कम मिलता है, एक ग्रीन में होता है, ग्रीन भी होती है और एक पीली आइस भी होती है, तीन तरह के जोलेंडन होते हैं, मगर जोलेंडन को जब तक तुम किसी से क्रॉस नहीं करोगे इम्पोर्ट लाइन से, जब तक उसका रिपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब एक तो छोटा सा बटुआ सा तो होता ही है, छोटा सा उधर तो उसका रिपोर्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। यही चीजें हैं कि अगर आप जैसे इंटरनेट पर कोई चीज देख रहे हो हूमर के बारे में, जानकारी ले रहे हो, तो भाई देखो हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के कबूतर है, हर किसी को अपने नुक्ते पे और अपने कबूतर पर भरोसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज ले ली और इंटरनेट पर देख लिया और वही चीज पकड़ के बैठे रहे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे तो 14.5 करोड़ का भी कबूतर बिका है, तो आपको थोड़ी ना लोगे। सही बात, तो आपको अपने इस बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई आपको हूमर चाहिए किस लिए चाहिए, पहले इस चीज को आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर मान लो आपको रेस ही नहीं खेले तो फिर आप इतना महंगा लेकर क्या, कोई फायदा नहीं है, तो बोले तो आप भी पाल लो, वो सस्ते पालो, मतलब सस्ते क्या है उम्र, बट ट्रेनिंग की बात है, तो आप उम्र है, बहुत लोगों को फोन आते हैं 2000-4000 तक के 3000 तक का जोड़ा दे दो, वो तो उम्र तो ना मिलेगा उन्हें कोई, वो सारी क्रॉस हो गई या वो चीजें होंगी तो उससे फायदा नहीं है। हाँ अगर आप जैसे कोई भी हूमर लेना चाहते हो जिसमें गारंटी, तो भाई मैं जैसे रस्तों की कहा कि बिल्कुल आप क्लब वाले बंदे से लो, क्योंकि क्लब वाला बंदा अपने नाम को कभी खराब नहीं करेगा, ठीक है ना, पैसों का लालच, क्योंकि जितना पैसा आप उससे कमाए उससे ज्यादा तो वो लगा चुका है। अगर मैं अभी ये जो जोड़ा लेके जा रहा हूँ, अब इस जोड़े की कॉस्ट अगर देखी जाए, इसकी क्रॉसिंग की कॉस्ट, इसकी मेहनत, जो तीन रेसों का खेल का जो खर्चा है ना, उससे ज्यादा तो उन्होंने लगा दिया इस पे। सही बात, लेकिन ये तो प्यार मोहब्बत है कि सही बात, एक दे दिया उन्होंने मुझे, आगे भी नस्ल बनेगी किसी के, हाँ, जाएगा वहाँ भी नस्ल ही बनेगी, और एक नाम होता है कि भाई हम लेकर किसी चीज चाहते हो, तो हर कोई आदमी पैसों के लिए नहीं, अपने नाम के लिए भी मरता है कि मुझे मेरा नाम चाहिए, कि छत पे किसी के भी जाए तो एक नाम होता है। अब ये इन्होंने जो रेस हुई थी इसमें कितने कबूतर आपके देखे, 20-40 कबूतर छोड़े थे मैंने 2 किलोमीटर से, तो वो जो 40 छोड़े थे मैंने, उसके बाद 40 पूरे आ गए थे, उसके बाद 20 में छाट दिए थे, तो 20 ही छोड़े थे, तो कब तो 3000 तो मेरे पास 75 के करीब बात लिया, छोड़ने लगे तो मेरा 75 लगा। अब ये सोच रहे कि अगर छोड़ने जाते तो 75 के 75 भी आ सकते थे, लेकिन ये कि देखो रूल होता है कि भाई आप इतने कबूतर से खेल सकते हैं, तो उसमें क्या था कि 75 में जाहिर सी बात है बंदा वो निकालेगा जो सबसे ज्यादा विश्वास है कि भाई मेरे इसकी उम्मीद ज्यादा है, तो उनमें 20 कबूतर छाटे गए, 20 में से भी क्या कहते हैं अब एक जोड़ा जो है मैं ले रहा हूँ, बाकी जोड़े हैं उन्होंने अब लगाए हैं कि भाई इनमें कुछ है, क्योंकि कुछ सारी तो नर मादी नहीं थे ना, कि ऐसा थोड़ी ना 10 नर थे 10 मादी, ऐसा नहीं है, उसमें से अब कुछ जोड़े क्योंकि 4-5 जोड़े लगाए हैं मेरे, 6 नर थे बाकी मादी थी, तो अब यानी कि अगर लगाएंगे तो ज्यादातर 6 जोड़े लगेंगे ना, उसमें भी एक मैं ले जा रहा हूँ तो 5 जोड़े इनके पड़े, तो इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप भी शौक करो, तो ये भी चीज़ थी, बहुत बहुत शुक्रिया भी रस्तोगी जी आपका कि एक कम से कम एक ऐसी चीज़ दी है कि मैं भी नाम हुआ कि यार चीज़ है, ठीक है ना, तो ये चीज़ थी वीडियो, बाकी जब हमारे रस्तोगी का सेटअप बनेगा और भी जो चीज़ें हैं, जहाँ इन्होंने कहा कि भी और भी जैसे कुछ कबूतर इम्पोर्ट लाइन के आएंगे तो मैं उसका भी आपको शौक कराऊंगा, तो अभी के लिए जो कोई भी जानकारी अगर आप पूछिए तो आप कमेंट करना, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि अब मेरा जो जाल का था काम कंप्लीट हो चुका है, और जाल का कंप्लीट होने के बाद अभी है कि मैं अभी मॉर्निंग में वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, और जो अभी पट्टे लेके जा रहा हूँ ये भी इनके चैंपियन वर्ल्ड के ही बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब अपने छत पर शौक कराएंगे इसको कि मैं किस तरीके के कबूतर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।